सो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पिकार्ड के अंदर बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं और साथ ही उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो ये एक बैकग्राउंड है, इसमें से मैं चिड़िया को गायब करूँगा। इसको मैं बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ करूँगा। रिमूविंग टूल के थ्रू मैं इस चिड़िया को यहाँ से गायब करूँगा, जिस इसके ऊपर पेंट कर दूँगा और रिमूव पे क्लिक करके इसको रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ पे चिड़िया रिमूव हो चुकी है। अब मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर करूँगा, ब्लर के साथ इसको थोड़ा सा इसमें लाइटनेस भी बढ़ाऊँगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी बैकग्राउंड ब्लर हो चुकी है और थोड़ा सा मैं इसमें कर्व टूल का यूज़ करके लाइट और थोड़ा सा सेचुरेशन को इंक्रीज करूँगा। अब जस्ट ऐड फोटो पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करूँगा जिसका मुझको बैकग्राउंड को इरेज करना है। अब इरेज टूल पे क्लिक करना है। यहाँ पे पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक ये बैकग्राउंड को इरेज कर देगा। काफ़ी अच्छी इसने बैकग्राउंड इरेज कर रखी है, लेकिन इसके एजेस पे कुछ डार्क पन है, तो उसको इरेज करेंगे हम इरेज टूल का यूज़ करके। ब्रश साइज इस तरीके से आपको यूज़ करना है और जस्ट साइडों में इस तरीके से इसको पेंट करना है। एडिटिंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही होता है, आपका बैकग्राउंड इरेज करना। जितनी अच्छी आप बैकग्राउंड को इरेज करोगे उतनी अच्छी फ़ोटो एडिट होगी। तो ये आप पहली बारी पे नहीं सीख पाओगे, आपको जस्ट काफ़ी बार इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी बार आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इस ब्रश पे हाथ सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पेंट करके चारों तरफ बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है। यहाँ बैकग्राउंड इरेज हो चुकी है मेरी। अब मैं इसको बैकग्राउंड के साथ मैच करने के लिए एडजस्टमेंट टूल का यूज़ करके इसको मैच करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हमारी बैकग्राउंड इरेज हो चुकी है। सन का इफेक्ट डालूंगा मैं इसमें। ये सारी फोटो की पीएनजी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाऊंगा ताकि सन का इफेक्ट थोड़ा सा चेहरे पर भी पड़े, ताकि फील आए कि सन पीछे से चमक रही है और फेस पर पड़ रही है। इसको जस्ट सेव कर लूँगा। अब इसको थोड़ा सा रीटच करूँगा लाइट रूम के अंदर मैं कलर करेक्शन करूँगा ताकि फ़ोटो और अच्छी दिखाई दे। सो गाइस, आप में से जो लोग DSLR से फ़ोटो क्लिक करवाते हैं तो उनके लिए मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे लाइट रूम के अंदर और काफ़ी वीडियो आगे बनाता रहूँगा, क्योंकि हम जस्ट DSLR से फ़ोटो क्लिक करवाते हैं तो एक रॉ इमेज होती है, उसमें कलर करेक्शन करना, डिटेल्स देना, शार्पिंग देना, फेस रिटच करना, ऐसे काफ़ी वर्क होते हैं जो हमको लाइटरूम के ऊपर करने होते हैं। और लाइटरूम का यूज़ करके हम DSLR की नॉर्मल पिक को काफ़ी अच्छी फ़ोटो बना सकते हैं। तो इसी के लिए मैं लाइटरूम पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ, इसीलिए मैं लाइटरूम के ऊपर आगे काफ़ी वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको अलग अलग कलर टोन के प्रीसेट्स बनाना बताऊंगा, कैसे उसको बनाते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, कैसे आप जस्ट एक प्रीसेट को बनाकर आप काफ़ी फ़ोटोज़ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक पे। सो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइज, अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।